स्कूल गए छोड़ने के लिए बेटा, भाई का पेपर है ना, सो मेरी शहजादी जागी है ना, मेरी गुड्डी चली जाओ। नाम से जुलम के बेहद खूब जानता है, देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से बेतहाशा दुआ सुनाओ। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, सुकून की ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, आमीन सुम्मा आमीन। ढेर सारी दुआओं के साथ वीडियो शुरू करती हूँ। सुबह का टाइम है और मेरे एक बेटे का आज पेपर है, बाकी भी छुट्टी आज वो मंडे को होगा लास्ट पेपर दो का, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो इस टाइम जो है ना नाश्ता बना रही हूँ, इनके दादा के लिए नाश्ता बना रही हूँ और बाकियों और दो बंदों के लिए। तो इनकी दादा नाश्ता कर चुकी हैं, सो जिसने खानी रस भी, आधे कह रहे रस खाने और आधी रोटी खाएंगे। जी क्या बात है, आवाज़ें देखिए आप कसना शुरू हो जाए, घर में है ना आज, आज मेरी सख्ती है। जी बोले ओके, देते हैं फौरन, अभी दो मिनट के बाद बन जाएगा। ओके और ये दूध वाली देचकी होती हूँ, और आज बजाय मैंने छोटी देचकी दूध डालने के बजाय मैंने जग में डाल दिया, इतना दिमाग था, फिर मैंने छोटी देचकी में कर दिया। और ये सुबह के और ये कुछ रात के बहुत तेज की बड़ी थी, ये मैंने पहले धो के रख दिया और आटा गूंद दिया है मैंने, ताकि आज छुट्टी है बच्चों की और मुझे तंग ना करें। और ये अभी मोबाइल देख रही थी थोड़ी देर पहले, और ये मैंने अपने लिए, जिनको मैंने एक प्रॉब्लम है तो मैंने अपने लिए क्या इसको क्या कहते हैं, इसमें गोल का छिलका तुख मलंगा ये डाल के आधी आधी चम्मच मैंने ये गो दिया, और ये फूल जाएगा तो मैं लूँगी। रात को क्या बनाया था, रात को मैंने बनाई थी लौकी और मटर, थोड़ा सा पड़ा हुआ है, सालन भी एक दो पड़े हुए, चावल कल 11वीं श्री थी तो वो पड़े हुए मीठे और नमकीन थोड़े से, तो दिन को इंशाल्लाह नहीं बनाएंगे, तो रात को अल्लाह खैर करे तो हम बनाएंगे। अभी मैं ये तवा रख रही हूँ और नाश्ता बनाती हूँ, और नाश्ते के बाद मिलते हैं। पहले जो मैंने कहा ये दूध वाले बर्तन से दो दो, क्योंकि उसका जो है ना लंच टूटा हुआ था, इसलिए मैं उसका लंच ले गई। उसने कहा कि मम्मी मोहम्मद आशिर का लंच दे दो, तो मैं वो लंच ले जाऊँगा। सो सॉरी जी, दे दिया मुझे नहीं पता था। तो अब ये दूध के बर्तन धो दिए, बीच में पंगे भी लेने आ जाते हैं ना, ठीक है, ताकि ज़रूरत पड़ जाएगी और बिरामा रू सब। अच्छा जी, और इधर मैं आपके साथ लगी हुई थी तो मेरी थोड़ी सी धूप भी गिर गए थे से नीचे, इसको पहले मैं साफ़ करती हूँ और फिर मैं करती हूँ चाय रखती हूँ, क्योंकि फिर चूल्हा ख़राब हो जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि फॉइल लगा दूँ, फिर मैं सोचेंगे अभी नहीं लगाऊँगी फॉइल, तो रमज़ान में लगाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। मैं आपको ट्रिक और ये ऐसी चीज़ें बताती रहूँगी साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी। हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, अगर वीडियो मेरी अच्छी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जहाँ रहें खुश रहें और हर किसी को दुआ ये दिया करें। तो हो सकता है किसी टाइम कोई टाइम ऐसा होता है कि अल्लाह पाक दुआ कबूल कर लेते हैं। सब्र सब्र शुक्र से रहा करें, और सब्र अपनी ज़िंदगी में लाएँ, तहम्मुल लाएँ, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, मैंने स्लो कर दी इसकी आँच। अच्छा, मैं सोच रही थी मैंने अनार के सीज़न में छिलके सुखा के रखे हुए थे सर्दियों में, ये मेरे पास पड़े हुए, मैं सोचती ये इसको धो के एक को ना इसका अर्क निकालूं और वो मैं थोड़ा सा पी लिया करूँगी, शायद इसकी वजह से या कोई पेट का मसला है कुछ या ठीक हो जाए। चलो ये धो के ना आज मैं ये रख देती हूँ, ताकि मैं फिर सामने फिर मैं दोबारा रख लूँगी तो समझ नहीं मुझे लगेगी, इसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ यहाँ पे।
ताकि जब मैं फारग हूँ तो इसको मैं बॉयल करके इसमें थोड़े से सौंफ डालूँगी, थोड़ा सा हरा पुदीना बाहर से गार्डन से लेके आऊँगी। जब मैं ये बनाऊँगी मैं आपको फिर दिखाऊँगी, ठीक है। मैंने बनते हुए नाश्ते के बाद, क्योंकि मेरा वीडियो खुद बना रही हूँ और करूँगा खुद ही करने। ओके, क्या तेज़ी से ले आओगे भाग कर? नूडल दिन को बना के सुबह सुबह नूडल नहीं खाते? गोरे की औलाद नहीं हो? नहीं, गोरे की औलाद नहीं हो तुम? सुबह सुबह नूडल नहीं खाऊंगा अभी। अच्छा आप दे, मैं उसको पैकेट ले। अल्लाह, बड़ा वाला है? है, है घर में, मैं लाई थी लेकिन मैंने छुपा के रखे। मैंने कहा बेबी मेरा सुबह सुबह उठ के नूडल मांगेगा और नूडल खाएगा। अच्छा मैं ये बताना भूल गई थी कि आटे की पेटी रमजान आ रहा है, तो मैंने कहा चलो उसको एक दफ़ा धूप लगा देंगे और आटा लाया तो उसको मैंने डाला नहीं होता ताज़ा। मैंने है वैसे मैंने आपको बताया था, अपडेट किया था, गूंद दिया था। मेरा बड़ा दिल कर रहा की रोटी खाने, चलो देखते हैं। आवाजें आपको आती होंगी, अब मैं क्या बोलूं। बर्तन पड़े हैं कोई 12:30 तकरीबन हो गए हैं, वो इसलिए हो गए कि हम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए थे थोड़ा सा, और फिर नाश्ता बस घर में हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कभी चाय मांगते हैं कभी नाश्ता मांगते हैं सारे, तो इस वजह से ज़रा आज मैं लेट हूँ। तो लिख लिया सबक? कोई नहीं, देखती हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह शाम का टाइम हो गया तो हांडी की तैयारी करी है, साथ नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह करके, तो चाय भी रखी है बन रही है साथ में अच्छी सी, और साथ ये मेरे पास है ब्रंजल, एग प्लांट, बैंगन, और पंजाबी में इसको बैंगन कहते हैं। ये आज मैं भरता बनाऊँगी, ये मेरी वीडियो होंगी आपके पास स्पेशल। मैं एक दो दफ़ा मेरे ख्याल से बना चुकी हूँ रेसिपी, वो कोई भी ब्रंजल उसमें लिखा होगा एग प्लांट बनाने का तरीका, भरता अपलोड हो चुकी हैं और वही मेन चीज़ें बस डलती हैं इसमें, मसाले वगैरह करके साथ ही मैं हरी मिर्चें ज़्यादा यूज़ करूँगी और रेड मिर्चें बिल्कुल हाफ से भी कम टी स्पून डालूँगी, इससे इससे ज़्यादा फ्लेवर रहता है। वो यूँ बनाओ तो ऊपर से छिलका उतार दो, फिर उसको छुरी के साथ अच्छा सा मैश कर दो, अच्छी तरह मसाला भून के उसके अंदर डाल दो, थोड़ा सा लहसुन 7-8 जड़ी और साथ में प्याज, बारीक बारीक लंबा लंबा सा काट के प्याज भी डालूंगी, तो मेरे पास 2-3 बस इतना सा, और 1 किलो का मेरे पास बैंगन। 1-1 इसलिए कर रही हूँ ये बड़े और सही भी होंगे। मैं तो करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती होगी, अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और ये और चेंजिंग लगे या करनी है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, चाय बनकर मेरी रेडी होती है। और इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और कोई सुकून की ज़िंदगी बसर करते रहें, पाँचवा की नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह पाक को याद करें, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएँ और अल्लाह पाक उन पर अपना करम फजल अता फरमाएँ, और अल्लाह पाक आपको अपने घर का दीदार नसीब फरमाएँ, और आपके तो पहले अल्लाह पाक हमें भी अपने घर का दीदार नसीब फरमाएँ। आमीन। डेर दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी, जा रहे खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़। और यूँ ही चाय के कोई बड़ी मज़े की बनती है, ये देखो किस गर्म दूध में ये ना कलर देर से छोड़ती है, वो जहाँ बन गया मेरा।